कस्बा शहपुरा में अज्ञात शव झाड़ियों में मिलने की सूचना पर शहपुरा पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही थी। प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर थाना शाहपुरा में अपराध क्रमांक 643/43 धारा 302 IPC का कायम कर विवेचना में लिया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक डिंडोरी संजीव सिन्हा के आदेश अनुसार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डिंडोरी जगन्नाथ मरकाम व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शाहपुरा मुकेश अबिंद्रा के उचित मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शाहपुरा निरीक्षक शिवलाल मरकाम द्वारा आरोपी की पता तलाशी हेतु टीम का गठन किया गया। बाद दौरान विवेचना अज्ञात मृतक की पहचान सरवन उर्फ श्रवण सिंह उइके पिता शंकर सिंह उइके उम्र 25 साल निवासी कठेरा थाना शहपुरा के रूप में हुई। आगे क्या कुछ कहा सुने। इस संबंध में दिनांक 27/11/2023 को करीबन शाम 4-5 बजे सूचना मिली कि कॉलेज ग्राउंड के पास अज्ञात मृतक का शव है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष की है। कि सूचना पर मौके में उपनिरीक्षक आरबी वर्मा साहब गए थे, शव पंचनामा कार्रवाई किए। उसी दौरान उसके पिता, मृतक के पिता को जानकारी मिली तो नोहर सिंह वो मौके पर आए, जिन्होंने पहचान की है कि ये मेरा लड़का सरवन ग्राम कटेरा का रहने वाला है। उसके आधार पर उसके मृतक के मोबाइल नंबर मिला, जो मोबाइल नंबरों के आधार पर हमने साइबर शाखा जिला डिंडोरी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और SDOP शहपुरा के मार्गदर्शन पर उसके सक्रियतापूर्ण थाना शहपुरा के समस्त स्टाफ के माध्यम से पतासाजी करने में जुटे हुए थे। उसी दौरान हमको संदेही जो मृतक के मोबाइल और कपड़े का उपयोग किया है उसके आधार पर इसकी तलाश किए गए। जो हमको जो ग्राम सहजनिया जिला थाना नौरोजाबाद जिला उमरिया का रहने वाला है, जिसके पता साजी किए, जो कहीं दसगात्रा में रिश्तेदारी में गया था, जिस पुलिस टीम मैंने भिजवा कर घेराबंदी करके उसको हमरा में थाना लेकर आए। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसने सरवन के साथ जान पहचान थी और कुछ शराब दिनांक 24/11/2023 को शहपुरा मड़ई के दिन उन्होंने शराब पिए थे। शराब पीकर कॉलेज ग्राउंड गए थे, उसी समय मृतक ने इनको कुछ अपशब्द बोल दिया, जिससे क्रोधित होकर आरोपी ने उसको पत्थर मार के सिर में पत्थर मार के हत्या कर दिया और उसके बैग में रखे कपड़े, मोबाइल, रुपया लेकर चला गया था और पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया है, जिसे आज हम लोग समझ गवाहों की गिरफ्तार किए हैं, जिसको माननीय न्यायालय आज दिनांक को भेजा जा रहा है। शहपुरा से संदीप गोलिया की ये रिपोर्ट।